लोग अपना बनाए थे वहां पे जाकर। इतना लॉन्ग पीरियड के कौन रुकने जाना था रुबा? तो इनका पहले मुंह बन जाता है, फिर हमारा फड्डा होता है। एक हफ्ते के लिए जा रही है, वैकेशन मिलेगी। चलिए, जब आपको जाना होता है धड़ल्ले से जाती हो। यही माँ बेटी अपने माँ के घर ना जाए, इनको ये तो भाई इनका मतलब मुंह ही कल से मुझे सही से बात। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज मैं बहुत हैप्पी थी और फ्राइडे था आज, तो मुझे बहुत सारा काम करने थे, सारे अपने काम वगैरह निपटाने थे। तो जल्दी से मैंने यहाँ पे मशीन लगा के फ़ौरन कपड़े धो लिए थे, अब बस मैं मुझे छत पे फैलाने जाने थे। सारी साफ़ सफाई सब मैंने अपना पोर्शन पूरा चमका दिया था ताकि बाद में कोई मसला ना हो मुझे। ये मैं सब अपना रूम साफ़ कर चुकी थी, लाइट इसलिए ऑफ थी क्योंकि इरहा सो रही थी और इरहा के उठने से पहले मुझे सारे काम निपटाने थे। अल्लाह तो फाइनली मैं सब कुछ कर चुकी थी, बस मुझे क्या करना था, ये कपड़े फैलाने थे जो बाद में मेरी सास ने फैला दी थी। उन्होंने कहा था चलो तुम ऐसा करो, तुम बैठ जाओ, मैं फैला के ले आती हूँ। तो मैंने इतने में क्या किया, मैंने नहरान की सारी शर्ट्स प्रेस कर दी जितनी भी थी, मतलब जो भी मैंने वॉश की थी वो सारी मैंने इनकी शर्ट्स प्रेस करके ना हैंग कर दी थी अलमारी में, ताकि इनको बाद में कोई मसला ना हो, ये कोई सी भी शर्ट वगैरह निकाले फ़ौरन प्रेस कर लें। सो यहाँ पे सारी शर्ट्स वगैरह प्रेस हो गई थी और इरहा भी उठ गई थी, तो और बिल्कुल ये सही टाइम पे उठी थी जब मेरे सारे काम हो चुके थे। और मुझे अब क्या करना था, मैंने सारे कपड़े छत से लेकर आई, जब सूख गए थे तो मैंने सारे कपड़े तय कर लिए थे और मेरी अलमारी में ख़राब हो रही है। सीधी सी बात है, अभी आप लोग देखेंगे तो बहुत ख़राब हो रही है, स्पेशली मेरी अलमारी महराना और इरहा की बिल्कुल सही है, क्योंकि मुझे अपनी अलमारी सही करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा। सो मैं जितनी भी पैंटें आपने देख रहे हैं, पैंट वगैरह सब मैं तरीके से रखी हुई, जब मैं बाद में देखूँगी सारी ख़राब हुई हुई होंगी और सब कुछ हुआ होगा। यहाँ पर मैंने अपने कपड़े कितने ख़राब हो रही है, कुछ ना कुछ कह के मैंने ठुसा ही दिए थे। तो इतनी जल्दी जल्दी सारा काम सिर्फ फ्राइडे वाले दिन करने की वजह यही थी क्योंकि मुझे जाना था, अम्मी के घर रुकने के लिए और मैं मंडे को जाऊंगी अम्मी के घर रुकने के लिए। सो और सारे काम मुझे निपटाने थे, धोने थे, हर चीज़ रेडी करके रखे जाने थे, आगे कपड़े प्रेस करके जाने थे और हर चीज़। और मैंने बहुत मुश्किलों से मैंने कोई इस आदमी को मैंने मनाया, इतनी मुश्किलों से। आप लोगों को खुद पता होगा मैंने जब कब मैंने अम्मी के घर जा के रुकने गई थी, मैंने कब मैंने ब्लॉग अपना बनाए थे वहाँ पे जाकर। इतना लॉन्ग पीरियड के कौन रुकने जाना था रुबा? कोई नहीं, एक हफ्ते के लिए कौन रुकने जाता है भाई? जब पहले मैं पूछती हूँ इनसे तो इनका पहले मुंह बन जाता है, फिर हमारा खड्डा होता है, फिर दो तीन दफा एक खड्डे होते हैं, उसके बाद कहीं जाके परमिशन मिलती है मुझे रुकने जाने की। आप लोग समझते ना, हर वक्त अम्मी के घर चली जाती है, आप लोग हर वक्त ये हो जाता है, हर वक्त हो जाता है, हर दो दिन बाद लेके जाता हूँ मिलवाने के लिए, रात में भी लेके जाता हूँ। शादी के शुरू में जाती थी, अभी भी जाती हूँ, अभी भी कभी इनको दिल होता है वो मम्मी के हाथ का पान खाना है तो वो यहाँ ले जाता हूँ मैं। हम निकले होते हैं कहीं बाहर कहीं जाने के लिए, मम्मी के हाथ का पान याद आ जाता है इनको, तो वो पान के लिए ले जाता हूँ। तो मैं नवंबर में रुकने गई थी, नवंबर में और नवंबर के स्टार्ट में रुकने गई थी, सही है। फिर नवंबर का हाफ गुजरा, दिसंबर गुजरा, जनवरी गुजरा, अब फैब का भी जो है वो मिड हो चुका है और अब मैं रुकने जा रही हूँ, आप लोग खुद देख रहे हैं। तो मेरी बहनें तो ना जब शादी के शुरू में इतना लंबा रुकने आया करती थी, उनको तो कुछ पता भी नहीं, जब उनके बच्चे होते थे तो बच्चे होने से पहले भी रुकती थी, एक महीना और सवा महीना करके जाती थी, ये भी इनको नहीं पता। इनको होता है कि नहीं मुझे किसी के बारे में नहीं बताया करो। अगर मैं सो अब मैं पैकिंग वगैरह करने जा रही हूँ, जिनको कम प्यार होता है ना, जिनको कम प्यार होता है वो महीनों महीनों छोड़ देते अपने वाइफ को। इनके पास बस एक यही जवाब होता है, आप लोग रहने दें, इनके पास एक यही जवाब होता है, अब बस मुझे करनी है पैकिंग जल्दी जल्दी से और अम्मी के घर जाने की तैयारी करनी है। तो भाई इनका मतलब मुँह ही कल से मुझे सही से बात नहीं कर रही क्योंकि मेरे पास अभी देखें मैं बना के रख लूँगी, इस दफ़ा मैं कोई टेंशन नहीं लूँगी, इस दफ़ा मैं वैसी बीवी बन जाऊँगी जो अपने हस्बैंड की कोई टेंशन नहीं लेती, मुंह बनाए कुछ भी करे। अच्छा, क्योंकि आप गलत बात से मुंह बना रहे हो। जब आपको जाना होता है धड़ल्ले से जाती हो।
15-10 दिन तो कभी गई ही नहीं हूँ मैं नानवे रुकने। तो शादी पे अपने भाई की शादी पे रुकने गई थी, आधा महीना अपने भाई की शादी पे रुकने गई थी, उससे भी ये मुझे वलीमे के अगले दिन ही लेकर आ गए थे। कोई करता है ऐसा? शाहजेब की शादी पे भी, मुइज की शादी पे भी, मुझे अच्छे से याद है वलीमे के अगले दिन ही मैं घर पे आ गई थी अपने। तो दिल्ली भरा था 15 दिन? नहीं दिल्ली भरा था, वलीमे के 3-4 दिन तो रुकते हैं, थोड़ी बातें होती हैं, नई दुल्हन के साथ रहा जाता है, उनकी खिदमतें की जाती हैं। नहीं हुई 15 दिन के अंदर, थोड़ी बातें हुई नहीं हुई। आप सभी को पता है कि जो ना कितनी बातें होती हैं बहनों की। हम तो यहाँ पर पैकिंग अपनी कर रही हूँ स्टार्ट। वो रहा मेरा बैग भाई, ऊपर का कबाड़ा हो रहा है क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल रहा सही करने का। मेरा ये बैग उतार देंगे आप? इतना बड़ा बैग क्यों ले रही हो रोबा, 3 दिन के लिए जा रही हो? अच्छा बैग तो उतारो। 3 दिन के लिए जा रही है इतना बड़ा बैग लेके? मैं जाऊँगा बुध को ले आऊँगा वापस। चलो चलो निकाल लो अब कपड़े जल्दी से। मैं उसको इरहा आपको कितने दिन के लिए जाना है? दो दिन के लिए जाने का बोल रही है वो बस। और रोबा 2-3 सूट ही निकालना बस, बुध तक चल जाएंगे। हैं 2-3 सूट? हाँ मंगल बुध तक काफ़ी हैं। वैसे मैं अपने अलग शॉपर में रखूँगी जी। हाँ अपनी नानी के घर जा रही है। ये कितने हो गए? 2 सूट हो गए। एक और रख लो बस, बुध तक चल जाएंगे। नहीं मैं 3 सूट अपने 1 हफ्ते चला दूँगी। तो 1 हफ्ते के लिए जा कौन रहा है? मैं एक नया सूट भी रख के लेके जा रही था क्योंकि वहाँ से मुझे कहीं जाना पड़ गया। तो वहाँ से कहाँ जाना पड़ गया रुबा? कहीं भी घूमने फिरने सैटरडे नाइट को। ये मैं लेके तो सैटरडे आप वहाँ पे होगी कब? बुध को आ जाए तो मैं बार बार बोलते इनकी बड़ी बोलते ना वो हो जाता है। तो रुबा की पैकिंग जा रही है वो भी 1 हफ्ते के लिए। इनको इस बात की कोई शर्मिंदगी नहीं है कि ये 1 हफ्ते के लिए जा रही है। इस बात की शर्मिंदगी यही माँ बेटी अपने माँ के घर ना जाए, इनको तो सिर्फ शादी हो गई ना। अच्छा एक बात बताओ इनको हर 2 दिन बाद में लेके जाता हूँ। नहीं लेके जाते, मैं अब नहीं जाती हर 2 दिन बाद। सीरियसली मैं सच बोल रही हूँ, मैं कोई हर 2 दिन बाद नहीं जाती। अच्छा जाती थी ना, लेकिन वो तो अभी काम की वजह से शादी के शुरू में जाती थी। और वो उसकी वजह ये थी कि मेरी शादी के फौरन 10 महीने बाद शाहजेब की शादी हो गई थी, उसके 6 महीने बाद मुइज़ की शादी हो गई थी। तो उसकी शॉपिंग वगैरह, उसकी कार्ड वगैरह लिखना, हर चीज़ जो मैं वीडियोस अपलोड करती जाती थी टिकटॉक पे, उससे पहले भी मैं लेके जाता था। आप लोग देखते होंगे ब्लॉग, आए दिन ब्लॉग आते थे घर के ना, मैं लेके जाता था। सुने हर 2 दिन बाद पान खाना है बाहर, हम अपने घूमने निकले इनको पान खाना है, लेके जाता फिर घुमा लिया। सुनो अच्छा सुनो ना, जाती थी ना तो मैंने कभी ये काउंट किया? मैं तो अब ये काउंट करके जाती हूँ कि 7 दिन के लिए जाऊँगी तो 7 दिन के लिए ही जाऊँगी। हमेशा इनका यही होता है कि 2 दिन पहले आ जाओ, और मैं हमेशा बात मान लेती हूँ, लेकिन इस दफा मुझे नहीं माननी बात। सही है भाई, सही है। हाँ सही है, सही जाओ जाओ। मैं अपनी अम्मी के पास जा रही हूँ, आप अपनी अम्मी के पास होना। वैसे भी ऊपर नहीं सोते जब मैं जाती हूँ, ये नीचे सो रहे होते हैं। कैसे सुन रही बात है हमारी? साफ समेट के जाती हूँ। इरा कैसे सुन रही हमारी बात? और पता है क्या, जब भी सो व्लॉग बनाते बनाते ड्राइव चली गई थी, और मैं ये बताने वाली थी कि जब भी मैं अपने मतलब इस घर से निकल रही होती हूँ मम्मी के घर रुकने जाने के लिए, और जब मेरा मम्मी छोड़ने जा रहे थे तो हाथ याद अपना ट्राउजर और टी शर्ट नीचे लेके उतरना चाहती थी कि अब तो ऊपर रूम में आना ही नहीं। तो ये वजह होती है, और ये बच्चे एक्सेप्ट नहीं करते। बस अभी मैं इतना ही ब्लॉग बना रही हूँ, इसके आगे के जो पैकिंग वगैरह होगी बाकी जो चीज़ें होंगी वो मैं नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों को रखूँगी। ओके थैंक यू।